टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को ट्रोल क्यों किया जा रहा है? कौन से हैं इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस जो कॉलेजेस कम लेकिन 5 स्टार होटल ज्यादा हैं? इंडिया की वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जिनमें सेलिब्रिटीज के बच्चे पढ़ने जाते हैं। दोस्तों आपका स्वागत है बॉलीग्राड के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। फिल्म के लीड एक्टर्स टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे फिल्म में गजब लग रहे हैं, लेकिन फिल्म के ट्रेलर को लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के ट्रेलर को देखकर ये फिल्म लोगों को स्टूडेंट ऑफ द ईयर की हूबहू कॉपी लग रही है, जिस वजह से फिल्म को काफी ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन फिल्म में दिखाया गया कॉलेज काफी ग्रैंड और इंटरनेशनल लेवल का लग रहा है। इसी से याद आया, क्या आप जानते हैं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में जिस तरह का कॉलेज दिखाया गया है उस तरह के कॉलेज इंडिया में भी हैं? लेकिन सवाल ये उठता है कि किन किन राज्यों में हैं? क्या आपके राज्य में भी ऐसा कॉलेज है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही हो अपने कॉलेज के स्टूडेंट ऑफ द ईयर? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं जो कि कॉलेज कम और 5 स्टार होटल ज्यादा हैं और जिनमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इंडिया के टॉप 5 ऐसे लग्जरी और सबसे महंगी यूनिवर्सिटीज के बारे में। इस लिस्ट में पांचवा नाम आता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे महंगी लग्जरी और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में से एक है, जहां स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है और ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 600 एकड़ के एरिया में है और यूनिवर्सिटी में 200 से ज्यादा ग्रेजुएशन कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज और डॉक्टरल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस ड्रग्स, शराब और सिगरेट्स जैसी नशीली चीजों से टोटली बैन है। यूनिवर्सिटी के अपने ग्रैंड गार्डन्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही अवेलेबल हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कई फॉरेनर यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप हैं, जो स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में कैंपस में भेजते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की साल भर की फीस 3 लाख रुपए है, जबकि किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 2 से 4 लाख चार्जेस अलग देने होते हैं। इसी लिस्ट में चौथा नाम आता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का, जिसे KIIT के नाम से जाना जाता है और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जिसमें इंजीनियरिंग, लॉ, डॉक्टरेट, मैनेजमेंट, हर तरह के कोर्सेज की एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल की दी जाती है। KIIT 700 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में जिम, स्विमिंग पूल, गार्डन, हॉस्पिटल्स जैसी कई लग्जरी फैसिलिटीज कैंपस में ही मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हर कोर्स के लिए 4 से 5 लाख तक चार्ज किए जाते हैं। इसी कड़ी में तीसरा नाम आता है SRM यूनिवर्सिटी का। SRM यूनिवर्सिटी भी हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो तीसरे नंबर पर आती है और 1985 में बनाई गई थी। यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस तमिलनाडु में है, लेकिन यूनिवर्सिटी के 4 कैंपस तमिलनाडु और जबकि 3 कैंपस दिल्ली NCR में है। इंडिया में इसे इंजीनियरिंग का बेस्ट कॉलेज माना जाता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये एक यूनिवर्सिटी है या फिर कोई 5 स्टार होटल। यूनिवर्सिटी इतनी ग्रैंड है जिसे देखकर अमेरिका का व्हाइट हाउस याद आता है। यूनिवर्सिटी के एक कोर्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 6 से 7 लाख फीस ली जाती है, जो एक आम इंसान के बस में नहीं है। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है मणिपाल यूनिवर्सिटी का। जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये यूनिवर्सिटी मणिपाल बेंगलोर में है, जिसके सिक्किम, जयपुर और जहां तक कि दुबई जैसे बड़े देश में भी कैंपस हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी का लेवल कितना बड़ा होगा। मणिपाल यूनिवर्सिटी का एरिया 600 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें हेल्थ साइंस और इंजीनियरिंग कोर्सेज को हाई अपग्रेडेड लेवल में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कोर्स की कम से कम 2.5 लाख सेमेस्टर फी चार्ज की जाती है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अमेठी यूनिवर्सिटी का। अमेठी यूनिवर्सिटी एक मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी है, जो 1885 में बनाई गई थी, लेकिन 2003 में इसे फुल स्केल कॉलेज बनाया गया था। अमेठी यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे टॉप महंगी यूनिवर्सिटी है, जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी विदेशी यूनिवर्सिटीज को टक्कर देती है। टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बताते हुए हम भूल ही गए कि हम बात कर रहे थे फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बारे में, जिसे काफी ट्रोल किया जा रहा है। वजह है फिल्म की कहानी, क्योंकि ट्रोलर्स कहानी को पिछली फिल्म की तरह ही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फिल्म को हूबहू कॉपी किया जा रहा है, जिस वजह से करण जौहर के ट्विटर पर ट्रोलर्स ने क्या वाहियात फिल्म है, कोई भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है करण जौहर टाइगर को शेर बना रहे हैं या फिर अनन्या और तारा सुतारिया को लॉन्च कर रहे हैं। ये फिल्म पूरी कॉपी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ट्रेलर को देखने के बाद
लोगों की सारी एक्साइटमेंट कम हो गई है और करण जौहर के ट्विटर पर काफी बुरे कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अब फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है या फ्लॉप, ये तो 10 मई 2019 को ही पता चल पाएगा। आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और फिल्म ब्लॉकबस्टर बन पाएगी? अगर आप भी ऐसी ही किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर ऐसी ही किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टॉप 5 की और जानकारी के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।